सभी भगवती वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में अष्ट छाप या अष्ट सखा के बारे में। श्री गुसाई जी विट्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी के दर्शनों में लीला गायन के लिए ऋतु एवं प्रसंगनाकूल रागों से निबद्ध कीर्तन गायकी के लिए कीर्तनकारों का एक समूह संगठित किया था। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के चार एवं स्वयं के भी चार कीर्तनकार गुसाई जी द्वारा उनके काव्यगत, संगीत शिल्पगत एवं संप्रदायगत मर्मज्ञता के कारण उनके आशीष एवं प्रामाणिक छाप के मानो अलंकृत हुए थे, इसीलिए वे अष्ट छाप कहलाए। संप्रदाय में वे प्रभु श्रीनाथ जी की अंतरलीला में सखा है, अतः वे अष्ट सखा कहलाए। क्या है अष्ट छाप का सांप्रदायिक महत्व? भगवान श्रीनाथ जी के ब्रजमंडल में प्राकट्य के साथ ही उनकी जो नित्य लीला, जो अनुभूति का विषय है, उनके संगी आठ सखा भी प्रकट हुए थे। इन्होंने श्रीनाथ जी की बहुविधि लीलाओं का गान किया था। ये थे कृष्ण, जो कि सूरदास के नाम से संबोधित हुए, तोष, जो कि परमानंद दास जी के नाम से संबोधित हुए, अर्जुन, जो कि कुंभन दास जी के नाम से संबोधित हुए, ऋषभ, जो कि कृष्णदास जी के नाम से संबोधित हुए, श्रीदान, जो कि गोविंद स्वामी नाम जी के संबोधित हुए, सुबल, जो कि चित्त स्वामी नाम से संबोधित हुए, विशाल, जो कि चतुर्भुज दास जी के नाम से संबोधित हुए, और आठवें सखा है भोज, जो कि नंददास जी के नाम से संबोधित हुए। अष्ट प्रहर की लीला में दिवस काल में जहाँ ये सखा रूप में वन लीला के सहभागी होते हैं, वहाँ रात्रि में सखी रूप में निकुंज लीला के सहभागी बनते हैं। निकुंज लीला में इनके नाम हैं चंपकलता, जो कि सूरदास जी हैं, चंद्रभागा परमानंद दास जी हैं, विशाखा सखी कुंभन दास जी के भाव से, ललिता सखी कृष्णदास जी के भाव से, भामा सखी गोविंद स्वामी जी के भाव से, पद्मा सखी चित्त स्वामी जी के भाव से, और विमला सखी चतुर्भुज दास जी के भाव से, और अंतिम चंद्रलेखा सखी जो नंददास जी के भाव से ठाकुर जी के रात्रि लीला में निकुंज लीला के सहभागी बनते हैं। ये ठाकुर जी के जो अष्ट सखा हैं वो हिंदी साहित्य की भी निधि हैं। श्री गुसाई जी द्वारा गायन समय के लिए विशेष रूप से नियत किए गए थे। आज भी तदनुसार उनके लिए निर्दिष्ट शब्दावली में उनके कीर्तन गाए जाते हैं। राजभोग में कीर्तन कुंभन दास जी के भाव से, उत्थापन में सूरदास जी के भाव से, शयन में कृष्णदास जी के भाव से, मंगला में परमानंद दास जी के भाव से, ग्वाल में गोविंद स्वामी जी के भाव से, और संध्या आरती चित्त स्वामी जी के भाव से, संध्या भोग चतुर्भुज दास जी के भाव से, और श्रृंगार में नंददास जी के भाव से कीर्तन गाए जाते हैं। अष्ट सखाओं को लीला गायन के मुख्य क्षेत्र में भी निर्धारित किए गए हैं। इनके क्षेत्र इस प्रकार हैं: निकुंज लीला को जो भाव है वो कुंभन दास जी के, मान लीला को भाव सूरदास जी के, रास लीला को भाव कृष्णदास जी के, बाल लीला को भाव परमानंद दास जी के, हिंडोला लीला को भाव गोविंद स्वामी जी के, जन्म लीला को भाव चित्त स्वामी जी के, गोवर्धन लीला को भाव चतुर्भुज दास जी के, और किशोर लीला को भाव नंददास जी के भाव से गवे। आप सभी वैष्णवों को हमारी जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री कृष्ण।